दोस्तों इस वीडियो बात करना है कि EMRS का एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो है फाइनली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, ठीक है, कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हम इसको वेबसाइट खोले हुए हैं। प्रिंसिपल का हो गया, और PGT के हो गया, हॉस्टल वार्डन का हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का हो गया, ठीक है। तब किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उस पोस्ट के लिए पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइट पे कैसे आएंगे। साइट पे आने के लिए यहाँ पर गूगल खोलेंगे, ठीक है, और गूगल में लिखेंगे EMRS लिख के सर्च करेंगे। सर्च पे जैसे क्लिक किया तो फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक किए जो ऑफिशियल वेबसाइट खोलेगा और जाएगा, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको लिख रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, अपने अकाउंट यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट नाम बताया गया है और एग्जामिनेशन डेट बताया है कि किस पोस्ट के लिए कब एग्जाम लिया जा रहा है, किस पोस्ट के लिए कब एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कीजिए फिर से इस तरह से आपको यहाँ पर लॉग इन करने का, यहाँ पर फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो पेज है खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2023 फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करेंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन, ठीक है, जो सिक्योरिटी पिन लग रहा है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको आसानी से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है फाइनली आपका एडमिट कार्ड है रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ही साइट पर आएगा तो आपको फर्स्ट में आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उस पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बताएं और मिलते हैं फिर एक नंबर के साथ। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोगों के भी हमें जानकारी हो सके।